हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंटीमेट हाइजीन। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड टाइट फिटिंग क्लोथ्स। टाइट क्लोथिंग की वजह से स्किन में एयर पास नहीं होती, जिसकी वजह से वो एरिया ब्रीदेबल नहीं रहता। इंटीमेट एरिया से गंदी स्मेल आना या फिर स्वेट की वजह से वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाना, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसीलिए जितना हो सके उतना ब्रीदेबल और लूज कपड़े पहने। पॉइंट नंबर 2, वेयर कॉटन पैंटीज। कॉटन फैब्रिक बेस्ट रोल प्ले करता है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने में। मॉइस्चर की वजह से वहाँ इरिटेशन और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमेशा कॉटन पैंटीज यूज़ करें। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज वाइप योर इंटीमेट एरिया आफ्टर पी। ये चीज़ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी वॉशरूम जाएं, आप हमेशा अपने साथ वजाइनल वाइप्स या फिर टिश्यू पेपर कैरी करें। आफ्टर पी आप उस एरिया को टिश्यू पेपर से ड्राई करें, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई ऑलवेज वाइप योर इंटीमेट एरिया एंड ट्राइंग टू अवॉइड मॉइस्चर एट दैट प्लेस। पॉइंट नंबर 4, डोंट यूज़ वजाइनल वॉशेज और परफ्यूम डाउन देयर। वजाइना खुद ब खुद ही अपने आप को क्लीन करता है, उसके लिए कोई वजाइनल वॉशेज की ज़रूरत नहीं होती। वजाइनल वॉश और परफ्यूम्स वजाइनल पीएच को बिगाड़ देते हैं, इसीलिए उस एरिया पर कोई भी चीज़ यूज़ ना करें। अगर आप चाहें तो उसे नॉर्मल प्लेन वाटर से उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, डोंट पुट एनीथिंग ऑन और इनसाइड अ वजाइना। गर्ल्स, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू योर इंटीमेट एरिया, लाइक सी साल्ट, विनेगर, गार्लिक, एनी काइंड ऑफ DIY एंड अदर सो कॉल्ड होम रेमेडीज शुडंट बी इंसर्टेड इनटू अ वजाइना। इन सब चीज़ों की वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी कॉज हो जाता है, आपका पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है और भी बहुत सारे हार्मफुल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग्स। पॉइंट नंबर 6, ईट योगर्ट। इफ़ यू वांट अ हेल्दी वजाइना, देन इंक्लूड योगर्ट इन योर डाइट। योगर्ट में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का एक गुड बैक्टीरिया होता है, जो कि वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखता है, और अगर कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया हो तो वो उसे भी ठीक करता है। पॉइंट नंबर 7, मेंटेन अ गुड हाइजीन इन द पीरियड। पीरियड्स के दिनों में टैम्पॉन्स, पैड्स को एटलीस्ट 4 to 5 hours में चेंज करते रहना चाहिए। जब भी आप पैड चेंज करने जाएं, उस वक्त प्लेन वाटर का यूज़ करके उस एरिया को वॉश करें और उसे ड्राई करके ही दूसरा पैड यूज़ करें। इसकी वजह से इरिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और आप क्लीन और फ्रेश फील करेंगे पीरियड्स के दिनों में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिसकी वजह से आपके सराउंडिंग में भी अवेयरनेस क्रिएट हो पाए।